श्री रंग महल की दसवीं चांदनी। दसवीं भौम चांदनी ये शोभा है अतंत, कई कदेले कुर्सियां, बीच शोभा ले तखत। आप श्री युगल स्वरूप हक शिवराज जी श्री श्यामा जी की मेहर से रूह अपनी आत्मिक नजर को श्री रंग महल की दसवीं चांदनी पर लेकर पहुंचती है। सबसे पहले हक के लम्ब से ये जानती है कि रंग महल की चांदनी 2000 मंदिर की तो लंबी चौड़ी और गृह आई है 6000 मंदिर की। 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी और ग्रिड आई है 6000 मंदिर की। किनार की शोभा जो आई है सबसे पहले वो देखती है, तो बाहरी जो 6000 मंदिर की स्थान है और मंदिरों के भीतर जो त्रिपोली की पहली गली है, ये दो मंदिर की चौड़ी जगह और घेर कर 201 हाथों में कमर भर ऊंची उठी शेष चांदनी से। बाहरी और मंदिरों का स्थान और त्रिपोली की पहली गली, मंदिरों से लगती पहली गली, ये दो मंदिर की जगह कमर भर ऊंची उठी घेर कर 201 हाथों में। भीतर की जो त्रिपोली की गली की जगह थी वहां पर सुंदर नौरमयी रौंस बनी, उन रौंस से देखिए हाँ सांस में सीढ़ियां उतरी चांदों के माध्यम से। तीन सीढ़ी ऊंचे इन चबूतरे के साथ ही 33 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा लगा। चबूतरे के दोनों ओर से सुंदर सीढ़ियां उतर गई और भीतर की तरफ देखिए गहरे रंग में सुंदर कठेरे की शोभा, हाँ सांस में सीढ़ियां उतरी और शेष जगह घेर कर ये देखिए कठेरे की शोभा आई है। अति सुंदर फूलों से जगमगाता, नगों से झिलमिलाता कठेड़ा। अब दस मंदिर के हांस के सामने देखते हैं, यहाँ पे चांदी की शोभा बड़ी आई है। यहाँ उत्तर से दक्षिण दो मंदिर का लंबा, पूर्व से पश्चिम 33 हाथ का चौड़ा चांदा उठा। चांदी के दोनों ओर से 3-3 सीढ़ियां और भीतर की तरफ सुंदर कठेड़े की व्यवस्था। इस तरह से भीतरी रोज से हाँ सांस में सीढ़ियां भीतर चांदनी पर उतरी है। सुंदर नूरमयी रौंस, स्थान स्थान पर अति सुंदर बैठकों की शोभा। अब देखते हैं बाहरी हार मंदिरों के स्थान पर क्या आया। बाहरी हार मंदिरों के स्थान पर दहलान की शोभा आई है। घेर कर जो बाहरी हार 6000 मंदिर आए हैं उनके ऊपर चांदनी पर दहलान की शोभा आई है। एक दहलान की शोभा को देखते हैं, ऐसे ही सभी दहलाने आई है। ये दहलान 100 हाथ की लंबी चौड़ी है। दहलान के भीतर आते हैं और एक दीवार की शोभा देखते हैं, तो देखेंगे 100 हाथ की दूरी पर दो थंब उठे 40 हाथ के ऊपर उठे, जो 40 हाथ तक सीधा गए। ऊपर 40 हाथ की सुंदर नकाशी से जड़ित मेहराब की नोक पे और दोनों तरफ लाल मानिक के फूल खिले हुए। ऊपर 12 हाथ की जगह में चेतन चित्रामन। पुनः 33-33 हाथ के अंतर पर दो थंब उठे जिन पर तीन मेहराबे आई। ठीक मध्य के मेहराब में देवाल की शोभा आई। इन देवाल के ऊपर अति सुंदर चित्रामन बेल बूटियों की शोभा है। चेतन चित्रामन धाम के चेतन चित्रामन और दोनों ओर की मेहराबे खुली आई हैं। इसी तरह से चारों तरफ की शोभा आई है। तो दहलान के भीतर खड़े होते हैं तो चारों दिशाओं में हमें देखने के 8 दरवाजे मिलते हैं, 8 मेहराबे मिलती हैं, लेकिन गिनती की 6 हैं, क्योंकि ये पाखे वाली जो मेहराब है ये दोनों दहलानों में काम कर रही है। इस तरह से घेर कर दहलाने आई हैं। 10 मंदिर के हांस में दहलान की शोभा देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ थंबों की दो दो हार आ गई। ये देखिए नौरमयी थंब उन पर मेहराबे। ठीक मध्य की मेहराब दो मंदिर की आई है, यहाँ पर भी दो मंदिर। और भीती रोज की देखिए भीती तरफ भी थंबों की हार आई है और मध्य की मेहराब यहाँ भी दो मंदिर की आई है। और ठीक इसी तरह से छज्जे की बाहरी किनार पर भी देखते हैं, मध्य की मेहराब हीरा की दो मंदिर की आई है और
ये साइड वाली जो मेहराबे हैं एक एक मंदिर की और दो दो रंग की आई हैं। हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज पांच, पांच और नीलवी, चार मंदिर की चौड़ी, दस मंदिर की लंबी दहलान की शोभा, खुले स्थान की अति सुंदर बैठकों की व्यवस्था यहाँ पर, थंबों की झिलमिलाट, सुंदर नूरमय थंब, उन पर आई सुंदर नूरमय मेहराबे, अति सुंदर चंद्रमा, यह भारी किनार पर थंबों के दरमियान अति सुंदर कठेड़े की शोभा। इस तरह से देखा कि घेर कर जो 6000 मंदिरों की बाहरी आ रही है उन पर अति सुंदर नूरमयी दहलान की शोभा हुई है। दहलान की भीतरी तरफ एक मंदिर की रौस आई है। अब दहलान के बाहर की ओर भी इन दहलान से एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है जो लंबाई में घेर कर गोलाई में 200 हाथ तक गया है। दरवाजे के हाथ में छज्जे की शोभा नहीं आई। ये छज्जा नवी होम के थंबों के ऊपर आया है। नूरमयी छज्जा, छज्जे की बाहरी किनार पर नूरमयी कठेड़े की शोभा और भीतर दहलान की छिलमिलाती शोभा। दस मंदिर के हाथ में देखिए, ये छज्जा दोनों तरफ से आके प्रशाल से मिल गया है। इस तरह से ये किनार की शोभा हुई। अब ठीक मध्य की शोभा देखते हैं। ठीक मध्य भाग में 666 मंदिर का लंबा चौड़ा गोलाई में चबूतरा उठा तीन सीढ़ी, जिसकी ग्रिड 1998 मंदिर की आई है। 200 हांस आए इन चबूतरे के, प्रत्येक हांस 10 मंदिर का आया है। चारों दिशाओं के हांसों से नूरमयी सीढ़ियां उतर रही हैं और चारों कोनों में चबच्चों की शोभा है। ये चबच्चे 8 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। इनकी ग्रिड आई है 24 मंदिर की। इन चबच्चों को घेर कर एक मंदिर की रोस आई है और चबच्चों का एक पहल चबूतरे से मिला हुआ है, तो इन चबूतरे से दौड़ते हुए चबच्चे पर जा सकते हैं। इन चबच्चों से अनंत फुहारे उड़ते हैं नूरमयी जल के, फूलों से रंगों से प्रतिबिंबित होते हुए नूरमयी जल के फुहारे उठते हैं। चबूतरे पे अति सुंदर बैठकों की शोभा है। अब इन चबूतरे और ये दहलान और रोंस के भीतर ये जो मध्य जगह है, यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचों की शोभा है। नीचे की भूमों में जो 36 हवेलियों के फिरावे आए हैं, हवेलियों के ऊपर बगीचों की शोभा है और जो त्रिपोलियां आए हैं उन त्रिपोलियों पर नहरे और रोंसों की शोभा है। अब हक इलम से जो घेर कर बाहरी हर मंदिरों के स्थान पर दहलान की शोभा चांदनी पर आई है, उन दहलान की चांदनी की शोभा देखते हैं। 100 हाथ की तो चौड़ी और घेर कर 201 हाथों में घूमी हुई चांदनी। अब यहां देखेंगे चांदनी के मध्य में अर्थात 37.5 हाथ की जगह इधर छोड़ी, 37.5 की इधर चांदनी की भीतरी तरफ ठीक मध्य में 25 हाथ की लंबी चौड़ी देहोरी बनी, छोटी सी गुमटी, गुमटी के ऊपर कलश ध्वजा पताका की अपार शोभा। 25 हाथ की दूरी पे पुनः एक गुमटी बनी, 25 हाथ की दूरी पे पुनः, इस तरह से 25-25 हाथ की दूरी पर घेर कर गुमटियों की शोभा आई है। रंगों नगों से झिलमिलाती, फूलों से अपार सुशोभित कलश ध्वजा पताका, घुंघरियों की शोभा, हवा के झोंकों से बजती घुंघरियों से मधुर आवाज। अगर एक दहलान पे देखते हैं तो उस दहलान पे दो गुमटियां आई हैं, दोनों ओर से 12.5-12.5 हाथ की जगह छूट गई। जैसे एक मंदिर ये लेते हैं एक दहलान, तो 12.5 इधर छूट गए, 12.5 इधर, 25 हाथ में गुमटी, फिर 25 हाथ में खाली जगह, फिर 25 हाथ में गुमटी, इस तरह से शोभा आई है। अब 10 मंदिर के हांस में गुमटियों की शोभा देखते हैं। देखिए 10 मंदिर के हांस में भी
20 गुमटियां आई उसी तरह से 25 25 हाथ की दूरी पर, और चार गुमटियां किनार पर आ जाती हैं, चारों किनार पर चार मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी जो दहलान की चांदनी आई है उसके चारों किनार पर। इस तरह से कुल 12,004 गुमटियों की शोभा होती है। 201 गुर्जों की शोभा है, गुर्जों के ऊपर गुमटों की शोभा है, 66 हाथ के लंबे चौड़े गुमट, उनपे कलश ध्वजा पताका की अपार शोभा। मंदिरों के चांदनी के भीतरी तरफ और चांदनी के बाहर की तरफ ये देखिए सुंदर कांगरी की शोभा है, और जहां दो मंदिर मिलान करते हैं वहां पे कंगूरे की शोभा आई है, भीतर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी नूरमयी अति सुंदर कंगूरों की शोभा। देखिए संपूर्ण चांदनी पे इसी तरह से शोभा आई है, गुर्जों पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा, दहलान पे कुमटियों की, कंगूरों की, कांगरी की अपार शोभा। अब इस नक्शे में पुणे देखते हैं, ये जो बाहरी दो मंदिर का चबूतरा उठा जिसमें भीतर रोंस और बाहर की तरफ दहलान की शोभा बनी, इनसे 3 मंदिर की दूरी पर पहला नहर का चबूतरा आता है, और भीतर ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है ये चैबच्चे से 3 मंदिर की दूरी पर यहाँ पे पहला नहर का चबूतरा आता है। नीचे जो 36 हवेलियों के फरावे थे जिनमें 37 त्रिपोलिया आए थे, उन्हीं 37 त्रिपोलियों के ऊपर यहाँ पर 37 नहर के चबूतरे आए हैं, नहर के चबूतरों की 37 हार आई हैं। इस तरह से गोलाई में नहरें ही आई और आड़ी नहरें 231 आस आए हैं, तो इस तरह से 231 नहर के चबूतरे आ जाएंगे। ये देखें त्रिपोलियों पर नहर के चबूतरों की शोभा, जिसमें एक मंदिर में तो नहर हो जाती है कमर पर गहरी नहर, एक एक मंदिर में रोज की शोभा आ जाती है, रोज के मध्य ठीक मध्य फूलों की फुलवारी आती है और दाएं बाएं नगन की रोस आती है। प्रत्येक नहर के मध्य सुंदर नूरमयी पुल की शोभा है, पुल के दोनों ओर कठेड़ों की शोभा है। प्रत्येक बगीचे में देखिए चारों कोनों से चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं, और एक बगीचे में भी देखिए पुनः चार हिस्से हो जाते हैं, आड़ी खड़ी नहरें आती हैं जो 50 हाथ की नहर और 25-25 हाथ की रॉस। आड़ी खड़ी नहरें कटने से यहाँ मध्य में एक चबच्चा बनता है जिसके फुहारे उछल कर पुनः इसी में समा जाते हैं। इन बड़ी आड़ी खड़ी नहरों के मध्य ये जो चबच्चे पड़ते हैं इनसे 5-5 फुहारे छूटते हैं, 4 फुहारे दिशा के चबच्चों में जाते हैं और एक फुहारा उछल कर पुनः उसी चबच्चे में समा जाता है। इस तरह से जो नीचे हवेलियां आई हैं उन्हीं हवेलियों के ऊपर बगीचे आए हैं, त्रिपोलियों पर नहर और रोसों की शोभा आई है, बगीचों की लंबाई चौड़ाई जिस तरह से नीचे आई है, स्टार्टिंग में शुरू में हवेलियां बड़ी थी, जैसे जैसे भीतर जाते हैं हवेलियां छोटी होती जाती हैं, उसी तरह से यहाँ पर बगीचों की शोभा आई है। चौरस हवेली के ऊपर फूलदार बगीचों की शोभा आई है, गोल हवेलियों के ऊपर धूप की शोभा आई है, पंच मोहलों पे अनेक प्रकार के फूलों मेवों की शोभा आई है। अब शोभा खड़े दृश्यों के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले शोभा किनार पर आई दहलान की शोभा, एक दहलान को लेते हैं, ये देखिए 40 हाथ के थंब उठे नूरमयी, उनपे 40 हाथ की मेहराब, लाल मानिक के फूल, 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। पुनः दो थंब उठे उनपे 3 मेहराबे, ठीक मध्य में दीवाल की शोभा और दाएं बाएं खुली मेहराबों की शोभा, इसी तरह से चारों दीवाल की शोभा आई है। ये देखिए दहलान के ऊपर गुमटियों कलश ध्वजा पताका की शोभा। गुर्जों पर 66 हाथ के लंबे चौड़े गुमटों की शोभा, कलश ध्वजा पताका की अपार शोभा।
दस मंदिर के हंस की शोभा। दस मंदिर के हंस की शोभा, थंबों की अपार शोभा। चांदनी पर देखिए गुमटियां, चारों कोनों पर आई गुमटियां और ये गुर्जों पर आए गुम्मट। भीतर बाग बगीचों की अपार शोभा। नहरे चबच्चों की शोभा। मध्य चबूतरे की शोभा, चबूतरे पे सुंदर गिलम, सिंहासन कुर्सियों की शोभा। कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों कोनों में चह बच्चों की शोभा। एक एक चह बच्चों से उठते अनंत फुहारे, सुंदर नोलमय शोभा धाम की। मनोरम शोभा चांदनी की। मध्य पे कमर भर ऊंचे चबूतरे पे आई शोभा। चारों कोनों पर आई 16 हंस के 6 बच्चे, सुंदर मनोहारी शोभा लिए। बाग बगीचों की शोभा,